नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। आगामी कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे, जिसके तहत जिलाधिकारी वीरेश शंकर पांडे ने आज कांवड़ पट्टी पर चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के क्रम में वर्तमान में कितनी प्रगति हुई है, इसको लेकर पूरा जायजा लिया गया है। बता दें कि हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आज आगामी कांवड़ मेला की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए कांवड़ पट्टी आदि पर चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पूर्व में कांवड़ मार्ग से झाड़ झंकार हटाने तथा जहां जहां उबड़ खाबड़ है उसका समतलीकरण करने के निर्देश दिए थे, जिसके क्रम में आज निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि अधिकतर स्थानों से झाड़ झंकार हटा दिया गया है तथा अन्य स्थानों पर झाड़ झंकार हटाने का कार्य चल रहा है। इसके बाद जिलाधिकारी ने रोडी बेलवाला में चल रहे कार्यों की प्रगति, अतिक्रमण क्षेत्र की साफ सफाई आदि का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस कार्य में ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अन्यथा इस स्थिति में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने MNA श्री दयानंद सरस्वती को निर्देश दिए कि साफ सफाई के कार्य में और प्रगति लाई जाए। इस पर MNA ने बताया कि आज शाम तक साफ सफाई का कार्य पूरा हो जाएगा।